जल्दी से जाके देखो स्टोरी वीडियो आ गई है। मेरे चैनल खोलो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ब्लॉग पर आपकी स्टोरी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो फटाफट से गाइस मेरा चैनल खोलो और ब्लॉग क्राफ्ट की स्टोरी वीडियो को एंजॉय करो। ओके बाय। तो यार मेरे चैनल पे एक स्टोरी वीडियो आ गई है, वो है ब्लॉग क्राफ्ट की। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। और अब टाइम है स्टोरी का, इसलिए 3 2 1 मैं एकदम भिखारी हूँ, कोई मुझे भीख दे दो। वहाँ पे इतने अच्छे घर है, मैं इधर पहाड़ों के ऊपर बैठ के भीख मांग रहा हूँ। मैं नीचे आता हूँ, इतना इधर पे तो कोई आता भी नहीं है। देख लेना तुम लोग जो भी इधर पे नहीं आता है। इतनी मुश्किल से तो ये खुल रहा है, अरे मुझे इसको तो खोलने में भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। आ खुल गया, देख लेना तुम लोग, बहुत ज़्यादा पछताओगे। एक खुद नहीं रहा। ओके, देख लेना तुम लोग, बहुत ज़्यादा पछताओगे, तब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा। अब कुछ सीन ऐसा होने वाला था कि वो जो कहानी में अब बाकी है मेरे दोस्त, ट्विस्ट या इसको कट करना पड़ेगा। और गाइस मुझे कोई वीक दे दो, मैं इधर पहाड़ पे बैठा हूँ, कोई इधर पे है भी नहीं। इधर पे एप्पल लगा है, इसको निकाल के खा ले। तो लोगों के पास ट्री हाउस है, मेरे पास रहने को घर तक नहीं है। इस खाद पूछ में मुझे रहना पड़ता है, इसी पे ही मैं सो जाता हूँ। एक तो रात भी हो रही है, चलो मैं अभी इसी पे ही सो जाता हूँ। रात हो गई और अभी तक मैं, अरे ये तो सुबह हो गई, सुबह कही है, मतलब मैं इतनी देर तक सोया कि शाम होने आई। अब मुझे ना लकड़ी काटने का काम करना पड़ेगा, लोगों से मैं पैसे लूँगा लकड़ी काटने के बजाय। लकड़ी काटूँगा और खूब ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। और ये वहाँ पे वो जो बिल्डिंग है उसको मैं खरीद के रहूँगा, वो जो ट्री आउट है मैं भी उसको खरीद के रहूँगा। मैं इस पूरे हर एक चीज़ को मैं खरीद के रहूँगा, हर चीज़ को मैं बनाऊँगा, ये सबको करूँगा। इस लकड़ी को काटने में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करना करूँगा मैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा फास्ट फास्ट काम करना पड़ेगा कि इसकी कोई हद नहीं है। इतनी ज़्यादा 150, मतलब इतनी सारी लकड़ी मैं अब ले चुका हूँ। तो चलते हैं इन भाई साहब को देने, पता नहीं है किधर पे गए, इसको बोल रहे भाई साहब। भाई साहब, हेलो भाई, हेलो, ये लकड़ी ले लो, इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो, ये लो। भाई साहब ने मुझे पैसे भी दे दिए और लकड़ी भी ले लिए। अभी तो मैं जल्द में पहले इस टेम्पल को खरीदूँ या फिर उस घर को खरीदूँ। पहले मैं उस टेम्पल को खरीदूँ या घर को, बड़े वाली बिल्डिंग को खरीदेंगे ना भाई, पहले उससे ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा पैसा उड़ जाएगा। मैं अभी जल्दी से जाके खरीद लेता हूँ। कितने मस्त मस्त घर दिख रहे हैं, एक मिनट, घर पे जाना एकदम, कितना दूर है अभी। अरे आ गई जगह की, अभी तो बहुत दूर होगी उसका, शायद उसका एक माला अभी लोग बना रहे हैं, अभी छोड़ दिए बना के। कुछ भी है, जो भी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजर है। कांच, अरे इधर भी तो कांच उच कौन लगाया है रे। आयशा जब मार के चलता, भाई साहब ये लकड़ी ले लो, इतनी सा मतलब ये सब पैसा ले लो। अरे भाई, भाई साहब गलती से लगा दिया लकड़ी। भाई साहब ये पैसा लो और मुझे पूरी बिल्डिंग दे दो। भाई
अब ये बिल्डिंग अब तुम्हारी है, अब ले लो इसको, ये रहा तुम्हारा बेड, सो जाओ अब, सुबह भी होने वाली है। थैंक यू भाई। अरे मैंने गलती से उधर पे वापस से रखने लगा दी, अब मैं तो जा रहा हूँ सोने। हाँ जल्दी से सोने चल जाओ। सो गया, अब उठाऊ भाई साहब। तुम पूरी रात इधर ही पे थे क्या? हाँ मैं पूरी रात इधर ही पे था। तो अभी तुम जाओ ऊपर को मौला देख लो कि कैसा है। ठीक है भाई साहब, मैं जाता हूँ ऊपर को मौला देख। तो फर्स्ट माला एकदम डायमंड। एक मिनट भाई साहब। हाँ, बोलो। ये फर्स्ट माला एकदम रियल डायमंड का या असली है? मतलब वो जो नकली है, ये रियल डायमंड का है ये? क्या तुमने डायमंड भी निकाल दिया? अब तुमसे डायमंड लूंगा मैं। चलो लगा दी। ओके अब जल्दी से जाके ऊपर वाला फ्लोर देखो, तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। ओ वाह, इतना मस्त व्यू आ रहा है भाई इधर से। तो फिर भी इसके ऊपर ही बालकनी ठीक नहीं है कुछ। मैं इसमें से एक फ्लैट ले रहा हूँ भाई। हाँ तुम ले लो इसमें से एक फ्लैट, लेकिन अच्छा वाला, लेकिन सोच समझ के लेना। ये भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा वाला फ्लैट लेना। ये वाला कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं है। एक मिनट, वहाँ पे ब्रिज भी है। इतना मतलब इतना छोटा पानी का ब्रिज कौन इतने पैसे लगा के करता है? ये तो रात चौथा माला। अब कितने माले हैं इसमें? अरे ये वाला तो सबसे बकवास माला निकला। इसमें तो सीढ़ी नहीं लगी है। अरे मैं अगर नीचे जाके देखूँ तो ये वाला माला मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तीन जितना। अब इसमें मुझे डायमंड की बेड लगाना है भाई साहब। ऊपर आके डायमंड की बेड लगा दो। अब इस बंदे को डायमंड की बेड भी लगा के देना है। ठीक है लगा के दे देता हूँ। हेलो भाई, तुम्हारी बेड लग गई। मैं इसमें देखता हूँ, मेरे पास कोई एक भी फर्नीचर नहीं है मेरे पास। तुम खुद से अपना फर्नीचर लाओ जाओ। एक भी फर्नीचर नहीं है मेरे पास। हाँ फिर अभी मैं सो जाता हूँ उस डायमंड की बेड पे। हाँ अरे ये क्या, ये मुंह पे क्या लग गया मेरी? व्हाट, क्या हुआ? मैं एकदम टॉप वाले फ्लोर भाई, मैं एकदम टॉप वाले फ्लोर पे चले गया। अच्छा मैंने इधर पे डायमंड लगा दिया था तो मैं आर पार चल जाएगा। अरे ये क्या, मैं एकदम टॉप वाले फ्लोर पे वापस आ गया। चलो मस्ती नहीं, ये तो भंगा घिसा दिए। अब मुझे और पैसा कमाने भी बाहर जाना है। इधर से एकदम मस्त व्यू आ रहा है भाई। इधर से इसने पता नहीं कौन सा स्नेक बनाया है इन लोगों ने। इधर से एकदम मस्त व्यू। और वो क्या है, उसको भी मैं कभी ना कभी तो खरीदूंगा ही। वो रॉकेट या हाउस है तो डायरेक्ट मुझे ऐसे नीचे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं खुद के ही चल जाऊँ। ये मारी इधर से जंप। अरे इधर से, अरे भाई कूद जा, कूद गया। अरे ये आया मैं नीचे। अरे एकदम नीचे वाली सीढ़ी किधर है? अरे एकदम नीचे जाने ये अरे अरे एकदम नीचे जाने वाली सीढ़ी किधर पे लगाए है? और मैं इधर, अच्छा इधर पे ऐसी ऐसी जगह पे छुपा के रखते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आई। ये वाला फ्लोर कुछ ज़्यादा, वो जो एकदम आग जैसा। अबे यार एकदम ट्रैपिंग वाला हाउस है ये तो। एक माल है भाई, इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना इसको देख के। मैं तो आ रहा नीचे।
फर्स्ट फ्लोर पे और खुद। अरे भाई तो तुम्हें अच्छी नींद आई ना। हाँ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, क्यों? पैसा कमाने। मैं लकड़ी काटने चले आता हूँ, इतना बड़ा फिर इससे तो मुझे अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। इसको तोड़ 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 इसको तोड़, टूट भी नहीं रहा है। लास्ट तक के तो ऊपर तक तोड़ दिया एक कुड़ाली मार के। अरे मेरे इधर पे डायमंड, अरे यार फाड़ इसको फाड़, एकदम फाड़ते जा फाड़ते जा, फट गई। अच्छे खासे 150 वापस से अब मेरे पास हो गए। तब मैं इसको किसी दुकानदार को दे, यही इसी को ही मैं दे देता हूँ। मेरे एक दो डायमंड भी इधर पे छोड़ गए। चलो एक दो डायमंड अपने पास 100-200 फिर भी उठा लेते। इन दोनों में से किससे मैं मांगूँ, किसी से मांगू नहीं ना। वहाँ पे भाई साहब खड़े हैं सब, तो बाकी सब तो इधर पे भी भाई साहब है। फिर अब ये रहे वो भाई साहब जिससे मैंने काम मांगा था। ये लो अपने पैसे, ये लो अपने पैसे। ठीक है मैंने अभी लोग इनको तो अभी मैंने पैसे दे दिए हैं, मतलब वो लकड़ी दे दी और अच्छा खासा पैसा आ गया है, अच्छे खासे डायमंड आ गए हैं मेरे पास, अच्छे खासे भाई मेरे पास डायमंड आ गए हैं। कोई है। अब मैं चलता हूँ ना फटाफट से इधर पे स्कूल में अपना एडमिशन कराने। और अब हम आएंगे कल शाम को ही इसीलिए। और ये स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं रहता है, क्योंकि स्कूल में जाओ बैठो, ओए मुझे इधर पे आना है एडमिशन कराना है। हाँ ये लो मेरे सारे पैसे स्कूल में। अच्छा अभी रात हो रही है ना, रात हो रही है अभी स्कूल में, इसीलिए लाइट उट तो लगाए है नहीं स्कूल में। या ये एक साइड इधर, एक लाइट इधर। अरे भाई एक मिनट, मैं अगर मुझे यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे आप लोग यहाँ पे काम करने के पैसे, काम करने के बजाय काम करूँगा तो आप मुझे पैसे दे देना। मैं 10 जगह पे टॉर्च लगा देता हूँ आज का आज ही, मुझे मेरी पूरा 1000 रुपये चाहिए मुझे। ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। ये डाला, ये भी लगाया, ये भी लगाया। अरे यार नीचे लग गई, उठ परा गई, लग गई। तो आगे की ना, आगे की ये 1 2 3 4 5, पीछे की 1 2 3, तीनों लगा दिया। अभी इस साइड और इस साइड भाई पूरे 1000 रुपये के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एक लाइट इधर बीच में, इसके एकदम ही इधर पे, इधर 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 इधर, पूरे स्कूल को ही हम लोग लाइट वाला कर देंगे। नीचे क्यों कूद गया मैं? एक तो इनका बेंच में जा के मुझे इसको लगाना पड़ रहा है। इसके अच्छा मैं एक ही जगह पे खड़े होके लगा दूँ, लेकिन ना स्कूल में हम काम करने आए हैं तो करना ही तो पड़ेगा ना। ये हो नहीं रहा, इतना सारा है अभी। चलो नीचे का तो मैंने पहले से ही लगा दिया हूँ, तुम बस खाली क्लास का। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसी के इनाम पे हम लोग तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। क्या 1 करोड़ रुपए? अब तो 1 करोड़ रुपए से मैं तो एकदम अमीर बन गया। अब ये बात है उस वक्त की जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था।
और अब के टाइम पे, और अब मेरे पास इतना ज्यादा पैसा हो गया है। और ये, और मैं अपने बाल का ये वाला पेंट करता हूँ, और एकदम मस्त टी शर्ट में ये ब्लू वाली है, ये ठीक, ये वाली पहन लेता हूँ। ये वाली चड्डा थी, हाँ चड्डी, ये जूता होता नहीं। ओके पहले मैं इतना ज़्यादा गरीब था कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, आज ये सब चीज़ मैं खरीद चुका हूँ। तो भाई मुझे लगता है आपको ये स्टोरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर ज़रा से भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं ऐसे एकदम मस्त मस्त स्टोरी लाऊंगा और दूसरी आवाज़ के साथ भी लाऊंगा। और अभी तक एक लाइक तक नहीं मिला है मुझे, शिटिया। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।